फेज वन के लिए गए थे, जहाँ पे चार जिले में गए हम लोग, औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए, और अलग अलग जगह जा करके हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। चुनाव आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन बनाया। जी हां, आपको बता दो, मैथिली ठाकुर आज पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, फेज वन के तहत चार जिलों में हम घूम रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में घूमकर हर इंसान को वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आगे मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। हम लोग फेज वन के लिए गए थे, जहाँ पे चार जिले में गए हम लोग, औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए, और अलग अलग जगह जा करके हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी, तो काफी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। फेज वन के लिए गए थे, जहाँ पे चार जिले में गए हम लोग, औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए, और अलग अलग जगह जा करके हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी, तो काफी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। फेज वन के लिए गए थे, जहाँ पे चार जिले में गए हम लोग, औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए, और अलग अलग जगह जा करके हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी, तो काफी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। तो जैसा कि आपने सुना, मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा, मैथिली ठाकुर ने कहा कि यूथ वोटर को लेकर कहा कि खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी, काफी उत्सुकता हो रही है, इस बार खुद मैथिली ठाकुर पहली बार वोट करेंगी और अपने साथ साथ सारे लोगों को वोट करने के लिए जागरूक भी कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से बातें कर रही हैं, लोगों को कह रही हैं इस बार जरूर मतदान कीजिए, इस बार जरूर वोट कीजिए, इस बार इस मतदान में लोगों को जीत दिलाइए, लोगों के साथ जुड़िए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।